राजावास के बड़ पीपली बस स्टैंड के पास कोटोत्या की ढाणी ग्रीन त्रिवेणी नगर में आज सीएन ग्रीन पार्क का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रीको निदेशक व कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वार्ड नंबर 1 पार्षद धापा देवी ने की। विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद सीएम शर्मा, ग्रैंड सीकर रोड व्यापार मंडल अध्यक्ष चंद्रबान सिंह आवान, आईजी किशन सहाय मीणा, कांग्रेसी नेता सुरज्ञान मुगुलिया, पूर्व पार्षद राजेंद्र परसवाल, शिक्षक श्रवण बोहरा, मोहन शर्मा, देव शर्मा आदि रहे। इस मौके पर अग्रवाल ने पार्क का फीता काट करके लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कार्यक्रम को पार्षद धापा देवी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि वार्ड नंबर 1 में विकास कार्यक्रम काफी तेजी से हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। वहीं उनके लिए यह पार्क एक सौगात जैसा होगा। कार्यक्रम से पूर्व अतिथियों को गाजे बाजे से व बग्गी में बैठाकर कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। इस मौके पर जयपाल शर्मा, गोवर्धन रामअवतार कोठोत्या, शंकरलाल कोठोत्या, प्रहलाद कोठोत्या, मोहन आदि सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को भी पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंची, जिससे स्थानीय कई लोगों को महापौर के नहीं पहुंचने पर निराशा झेलनी पड़ी।